सलात वाल रसूल अम्माबाद बहुत से भाई सवाल करते हैं कि जो करोना की वबा में करोना की वजह से फौत हो क्या वो शहीद के हुक्म में होगा और दूसरे नंबर पर उसे गसल देने की सूरत क्या बनेगी तीसरे नंबर पर उसकी नमाज जनादा अदा करने की कैफियत क्या होगी तो गुज़ारिश ये है कि जो कोरोना की वबा की वजह से फौत हो उसे शहीद का हुक्म मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में कोई फ़ैसला कर्न राय देना नहाय मुश्किल है लेकिन बहुत से कलाम ने ऐसे शख्स को शहीद करार दिया है और यहाँ पे ये भी वजाहत कर दूँ कि शहीद से मुराद हुकुम के लिहाज से शहीद है दुनियावी लिहाज से शहीद नहीं एक वो शहीद होता है जो जंग में मैदान में मार्का में काफरों से लड़ते हुए शहीद होता है ये दुनियावी लिहाज से भी शहीद है और इन आख़िरत के लिहाज से भी शहीद है दुनियावी लिहाज से शहीद होने का मतलब ये है कि इसे गसल नहीं दिया जाएगा और इसके कपड़ों में ही इसे कफनाया जाएगा वगैरह वगैरह लेकिन जो हुक्म के लिहाज से शहीद है उसे हम दुनियावी तौर पर शहीद शुमार नहीं करेंगे अदर षवाब के लिहाज से मकामो व मरतबा के लिहाज से आखरत के लिहाज से वो शहीद होगा तो जो के मरज में फौत होता है वो शहीद के हुक्म में है या नहीं बता चुका हूँ किलामाम में इतलाफ है बहुत से कलाम ने उसे शहीद का हुक्म देने का फतवा दिया है उनमें से एक सऊदी अरब के बहुत बड़े मुहदस बहुत बड़े फकीर मसनबी में अरसय दराज से दरस हदीस देने वाले शेख अब्दुल मोहसिन अलाबाद हाफिज हैं जो तकरीबन नब्बे साल के हैं और जिन पे पेलमाय कलाम बहुत इतमाद करते हैं वो बड़े बड़े कलाम के उस्ताद हैं वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो कोरोना के मर्ज की वजह से फौत हो वो शहीद के हुक्म में है शहीद के हुक्म में है ऐसा क्यों किस बुनियाद पे? कुछ के नाम कहते हैं इसलिए कि ये एक वबा है जैसे ताउन एक वबा है तो जैसे ताउन की वबा की वजह से फौत होने वाला शहीद के हुक्म में है ऐसे ही कोरोना की वबा की वजह से फौत होने वाला शहीद के हुक्म में है और दूसरी राय यह है कि कोरोना के मरज में जो फौत होता है अक्सर औकात उसका जिगर या उसके गुर्दे ये तबाह हो चुके होते हैं तो फिर ये आदमी उस हदीस में दाखिल हो जाएगा जिस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और उसे इमाम बुखारी वगैरह ने रिवायत किया है कि शहीद पांच तरह के हैं जब आपने उनका तस्करा किया फरमाया उनमें से एक अल मबतून जो पेट की किसी बीमारी की वजह से फौत हो तो बहरहाल के मरज में फौत होने वाला शहीद के हुक्म में हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह और शहीद के हुक्म में ना हुआ तब भी इस बीमारी पे अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह इनशाला रबुल की तरफ से बहुत ज्यादा सवा पाएगा लेकिन उसे गसल दिया जाएगा क्योंकि ये हुक्म के लिहाज से शहीद है ये वो शहीद नहीं है जो काफलों से लड़ते हुए शहीद होता है इसे गसल दिया जाएगा और गसल देना किसी भी मैयत को ये इस्लाम में वाजब है और इसके वाजब होने के कई एक दलायल हैं उन दलायल में से एक हदीस वो है जिसे इमाम बुखारी वगैरह रवायत करते हैं कि नबी वसल्लम जब हज में थे तो आपके साथ एक सहाबी ऊंटनी से गिरे और फोत हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था इग्सिलूहु बिमाइन वसिदरिन इसे गुसल दो पानी के साथ और बेरी के पत्तों के साथ तो यहाँ पे आपने आर्डर दिया है और आपका आर्डर वजूब पे दलाल करता है तो इसलिए हर मुसलमान मयत को गुसल देना वाजब है और अगर किसी वजह से गुसल देना मुमकिन ना हो तो फिर उसे तयम कराया जाएगा तयम कराने वाला अपने हाथों को जमीन पे मारेगा मट्टी पे मारेगा फिर अपने हाथों पे फूक मारेगा और फिर अपने ये हाथ मैयत के चेहरे और उसकी हथेलियों पे फेरेगा और यूं तयम मुकम्मल हो जाएगा और अगर किसी वजह से घुसल देना भी मुमकिन ना हो तय्म देने की भी कोई सूरत ना निकले तो फिर मैयत को बगैर गसल के बग़ैर तयम के कफन दिया जाएगा और उसकी नमाज जिनादा अदा की जाएगी नमाज जिनादा के मौजू पर गुफ्तू करने से पहले गसल और तयम में मजीद ये वजाहत करना चाहूँगा कि गसल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर ये कहते हैं मुसलमान डॉक्टर या गैर मुस्लिम डॉक्टर लेकिन काबिल एतबारबल एतमाद वो कहते हैं कि इसको गुसल देंगे तो गसल देने वालों को नुकसान पहुंचेगा तो गसल देने वालों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार लें मास्क पहन लें हिफासी दस्ताने पहन लें और उसे गुसल दें दूर से गुसल दे दें लेकिन अगर गुसल देने की कोई भी शक्ल ना निकले तो फिर तयम देंगे और अगर गुसल देने की तीम देने की कोई शक्ल ना निकले मिसाल के तौर पर वक़्त की हकूमत इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप उसे गुसल दें या तम दें तो फिर आप मजबूर हैं फिर अल्लाह इज्जत के इस फरमान पर अमल होगा अल्लाह तला फरमाते हैं फतखल अल्लाह से डरते रहो अपनी अपनी ताकत के मुताबिक और नबी अलीस्त तो स्लम फरमाते जिसे इमाम बुखारी और इमाम दोनों करते हैं इदा बी मिन जब, तो तो जब वक़त की हुकूमत मैय को गुसल देने की इजाजत नहीं दे रही तो जहर आप बगावत नहीं कर सकते आप उनसे लड़ नहीं सकते तो अब आप सबर करें और अब आप फिर देखें कि हमने इसको कफन कैसे देना है और इसकी नमाज जिनादा कैसे अदा करनी है मेरी इतला के मुताबिक कई ममालक में ऐसा हो रहा है कि हकूमत ऐसी मैत को प्लास्टिक की किसी शीट में लपेट कर और लकड़ी के डब्बे में बंद करके वारसों के हवाले करती है बल्कि उनके हवाले भी नहीं करती वो उस मैय को अपनी निगरानी में रखते हैं बस आपको जिनादे में शिरकत की इजाजत मिल जाती है तो फिर जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हों ये मुसलमान मैयत का दूसरे मुसलमानों पर हक है कि उसका नमाज जनाजा उसकी नमाज जनाजा अदा की जाए और इस नमाज जनाजा का मैयत को बहुत फायदा होता है नबी अली तो उस नाम फरमाते हैं उस अदीस में जिसे इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि जब कोई मुसलमान फौत हो उसकी जनाजे में उसके जिनादा में चालीस ऐसे लोग शरीक हों जो शिर करने वाले ना हों और जनादे में उसके लिए दुआएं करें उसकी शफात करें अल्लाह उनकी शफात को कबूल करता है लेकिन यहां पे भी यह मसला है कि अगर जनादे में शिरकत की इजाजत नहीं मिलती दो तीन लोगों को जनादे की में शिरकत की इजाजत मिलती है तो यहां पे भी सबर का مظاہرہ किया जाए। हुल का मुजहरा किया जाए बर्दाश्त का मुजहरा किया जाए ये मुसीबत भी उन मसायब में से एक है जिनके बारे में अल्लाह तक फरमाते हैं कि हम तुम्हें मुबला करके तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और जो सबर करेंगे खुशखबरी उनके लिए है जहां तक ताल्लुक है जिनादे का तो नमाज जिनादा का मामला उसमें काफी वसत है आप मैय को कबर में दफन होने के बाद उसकी कबर पे खड़े होके उसकी नमाज जिनादा अदा कर सकते हैं इस बारे में वो हदीस है जिसे इमाम बुखारी और दीगर अम हदीस रवायत करते हैं और हदीस के रावी जनाब अबू हर रदी अल्लाह तू हैं कि नबी अस्तु साम के, के ज़माने में एक औरत जिसका रंग स्याह था मस्जिद की खिदमत किया करती थी मस्जिद में सफ़ाई किया करती थी फ़ौत हो गई आपने महसूस किया कि वह नज़र नहीं आ रही आपने सवाल किया वह औरत कहाँ गई साहब कलाम फ़रमाने लगे अल्लाह के रसूल आलत वह फ़ौत हो गई और हमने उसका उसकी नमाज इजनादा अदा की और फिर हमने उसको दफन कर दिया आपने कहा तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया दुल्लू आला कबरी नीलाबरी मुझे बताओ उसकी कबर कहाँ है फिर आप उसकी कबर पर तशरीफ ले गए आपने उसकी नमाज इनादा अदा की और उस मौका पे आपने खुशखबरी दी थी और ये तंबी भी जारी फरमाई थी कि कबरों में शदीद अंधेरा होता है शदीद तारीखी होती है जिस मैत का न, जिस मैत की नमाज जिनादा मैं अदा करूँ तो मेरी नमाज जनादा की वजह से उसकी कबर में रोशनी हो जाती है तो इस अदीस से ये मालूम हुआ कि नमाज जनादा अगर आप पहले अदा नहीं कर सके तो मैत की कब्र पर खड़े होकर भी अदा कर सकते हैं इसलिए इस, इस वजह से हकूमत से टक्कर लेने की या पुलिस से टक्कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह रबुल्ज़त से दुआ है कि हमें हर तरह के मसायब से तमाम तरह की वबाओं से महफूद रखे अल्लाह तला तमाम मुसलमानों को कोरोना की वबा से बचाए और इस आजमाइश को उठा ले वह